30 मीटर टेलीस्कोप यानी नई पीढ़ी की अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय वेधशाला। 5 देशों के वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग से हवाई के माउना किया में स्थापित की जा रही 30 मीटर व्यास वाली ये अब तक की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन होगी। इस परियोजना में अमेरिका, कनाडा, जापान और चीन के साथ भारत भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारतीय खगोल वैज्ञानिकों ने विभिन्न अनुसंधान और विकास गतिविधियों में अमेरिकी खगोल विज्ञानी प्रोफेसर आंद्रिया गेस के साथ मिलकर काम किया था, जिन्हें इसी साल भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। प्रोफेसर गेस टीएमटी परियोजना की संभावित फ्रंटलाइन विज्ञान मामलों का मूल्यांकन करने वाली टीम का हिस्सा थीं। भारतीय वैज्ञानिकों के सहयोग से प्रोफेसर आंद्रिया गेस द्वारा किए गए कार्यों पर कई शोध पत्र जर्नल ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में प्रकाशित किए जा चुके हैं। हम लोगों ने किस तरह का विज्ञान, किस तरह का खगोल शास्त्र 30 मीटर दूरबीन और उससे संबंधित उपकरणों द्वारा किया जा सकता है, इस बात के लिए प्रोफेसर आंद्रिया गेस के साथ कार्य किया। इसके अलावा 30 मीटर व्यास टेलीस्कोप में लगने वाले एक विशेष यंत्र जिसका नाम इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ है, उसका स्वरूप किस तरीके से हो और उसके एडाप्टिव ऑप्टिक्स क्षमता का उपयोग करते हुए किस तरह का विज्ञान किया जा सकता है, जैसा कि प्रोफेसर आंद्रिया गेस को जो नोबेल प्राइज 2020 में मिला है, जिस पहलू का इस्तेमाल करके उन्होंने केक टेलीस्कोप से इस बात का निस्तारण किया, 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना ने इस बात को बहुत पहले ही कंसिडर कर लिया। ये वैश्विक परियोजना उन्नत वैज्ञानिक समझ विकसित करने के लिए साझेदार देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने वाली है, जिसमें भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग भी हिस्सेदार है। इन विभागों से जुड़े विभिन्न वैज्ञानिकों ने आंद्रिया गेस के साथ मिलकर टीएमटी के बैकएंड उपकरणों और संभावित विज्ञान संभावनाओं के डिजाइन पर काम किया। भारतीय वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा डिजाइंड और विकसित उपकरणों और रूपरेखाओं को टीएमटी निर्माण में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भारतीय सहयोग नई पीढ़ी की इस अत्याधुनिक खगोलीय वेधशाला के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिनके बगैर शायद 30 मीटर व्यास शीशे वाले इस टेलीस्कोप का विकास आसान नहीं होता। भारत के 3 संस्थान IIA बेंगलोर, आयुका पुणे और एरीज नैनीताल, यह 3 इंस्टीट्यूट मुख्य रूप से मूलभूत इंस्टीट्यूट थे जिन्होंने 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना में भारत की सहभागिता सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई। इस परियोजना में जो टेलीस्कोप के कल पुर्जे हैं उनको बनाने के लिए जो सबसे पहले शुरुआत की गई वो एरीज से की गई, जिसका नाम की सेगमेंट सपोर्ट असेंबली है, जिसमें 1.44 मीटर के 492 सेगमेंट्स एक साथ जब रखे जाएंगे तब जाकर के यह समग्र रूप से 30 मीटर व्यास की दूरबीन कही जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय वेधशाला के तौर पर स्थापित की जा रही टीएमटी 13 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित आकाशीय पिंडों की भी तस्वीरें लेने में सक्षम होगी। माना जाता है कि ये क्षेत्र ब्रह्मांड के दूसरे छोर के नजदीक है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन वाली ये अंतर्राष्ट्रीय वेधशाला पूरी तरह से साल 2027 से काम करना शुरू कर देगी और खगोल विज्ञान तथा भौतिकी के क्षेत्र में नए उभरते सवालों के लिए ज्यादा क्षमताओं के साथ सुविधाएं प्रदान करेगी।